हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में जानते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये आपका आपने अभी अगर आप लोग न्यूज में से जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा टिड्डी का जो हमला देखने को मिल रहा है हर जगह, फिर चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग कि आखिर किस संदर्भ में अभी आपका ये आर्टिकल लिखा गया है और टिड्डी दल होता क्या है, इन्हें भी हम लोग देखेंगे। भारत में टिड्डियों की प्रजातियां कितने प्रकार की होती हैं और फिर आपका रेगिस्तानी टिड्डी क्या है उसे भी देखेंगे। क्या समय से पूर्व टिड्डियों का हमला पहली बार हुआ है। टिड्डियों और जलवायु परिवर्तन के बीच किस तरह का संबंध है उसे भी देखेंगे। बचाव की बेहतर तैयारी कैसे हो सकती है और टिड्डी चेतावनी संगठन आपका बनाया गया था उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यानी कि आपके सभी सवालों के जवाब लगभग लगभग मिल जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले आप लोग टिड्डी को देख लीजिए कि आखिर होती क्या। अब इसको देख रहे हैं यार पिक को कि सभी इसके चारों तरफ टिड्डियां उड़ रही हैं। आप सोचिए जिस फसल पर ये लोग हमला करते होंगे उसका तो काम खत्म होता हो जाता होगा। इस टिड्डी को इस तरह से भी देखिए, ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना अक्सर, तो ये इतनी जनसंख्या में दिख रहा है कि अगर एक खेत में बैठ जाए तो एक के खेत का काम खत्म कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की एक दर्जन से अधिक देशों में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि तीन क्षेत्रों अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र, लाल सागर क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद चिंताजनक है। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र से इथोपिया, सोमालिया से टिड्डी दल दक्षिण में केन्या और महाद्वीप के 14 अन्य देशों में पहुंच चुके हैं। लाल सागर क्षेत्र में सऊदी अरब, ओमान और यमन पर टिड्डियों के दल ने हमला किया है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम एशिया में ईरान, पाकिस्तान, भारत में टिड्डियों के झुंडों ने फसल को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। भारत में राजस्थान, गुजरात और पंजाब के सीमावर्ती गांवों में भारी मात्रा में टिड्डियों के झुंड आ चुके हैं। ये आपके पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं उसी तरह से ये टिड्डी दल भी चले आए, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ पहुंचा। प्रभावित राज्यों की सरकारों को टिड्डी हमलों के विरुद्ध उच्च सतर्कता बरतने के लिए लगातार परामर्श दिया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंच गया और कृषि विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार यह दल लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था। आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर के पूरे इलाके में टिड्डियां टिड्डियां फैली हो तो आपको कैसा लगेगा, भयानक दृश्य होगा ये। टिड्डियों के हमलों की आशंका के मद्देनजर दमकल वाहनों को पहले से ही तैयार किया गया था और इन कीटों को भगाने के लिए कीटनाशकों का गहन छिड़काव किया जा रहा है। टिड्डी दल मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान भी पहुंचाती हैं। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं। अगर आपसे कहीं पूछ लेता है कि विनाशकारी सबसे विनाशकारी टिड्डियां कौन सी हैं तो रेगिस्तानी टिड्डियां। आमतौर पर जुलाई अक्टूबर के महीने में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में भी सक्रिय होती हैं। आप लोग भी बारिश के टाइम में इस तरह की टिड्डों को देखते रहते हैं, जब बारिश के टाइम होता है तब उड़ते रहते हैं। ठीक, अच्छी बारिश और परिस्थितियां अनुकूल होने की स्थिति में ये तेजी से प्रजनन भी करती हैं। उल्लेखनीय है कि मात्र 3 महीने की अवधि में इनकी संख्या 20 गुना तक बढ़ सकती है। कितने? मात्र 3 महीनों की अवधि में। भारत में टिड्डियों की प्रजातियों की बात करें तो भारत में टिड्डियों की निम्नलिखित 4 प्रजातियां हैं, रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी, ट्री टिड्डी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगिस्तानी टिड्डी के बारे में।
रेगिस्तानी टिड्डियों को दुनिया के सबसे प्रवासी कीट प्रजातियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इससे लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास पर खतरा उत्पन्न होता है। ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीटों से अलग होते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिए बड़े बड़े झुंडों का निर्माण भी करते हैं। सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। साथ ही 40 से 50 मिलियन टिड्डियाँ एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती हैं। एक अकेली रेगिस्तानी मादा टिड्डी 90 से 80 यानी कि 80 से 90 दिन के जीवन चक्र के दौरान 60 से 80 अंडे देते हैं। कितने? 60 से 80 एक अकेली, यानी कि इनकी प्रजनन क्षमता कुछ ज्यादा ही है। क्या समय से पूर्व टिड्डियों का हमला पहली बार हुआ है? तो वर्ष 1950 के बाद टिड्डियों का एक ऐसा हमला पहली बार देखने को मिल रहा है कि दशकों से पहले टिड्डी प्लेग, जब दो से अधिक निरंतर वर्षों के लिए टिड्डियों के झुंड का हमला होता है तो इसे प्लेग कहा जाता है, के भयानक रूप को लंबे समय तक देखा जा गया था। इस बार भी अच्छे मानसून के कारण लंबे समय तक इस क्षेत्र में मौजूद है। वर्ष 2019 में मानसून पश्चिमी भारत में समय से पहले यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह से 6 सप्ताह पहले शुरू हुआ। विशेषकर टिड्डियों से प्रभावित क्षेत्रों में यह सामान्य रूप से सितंबर अक्टूबर के माह के बजाय 1 माह आगे नवंबर तक सक्रिय रहा। विस्तारित मानसून के कारण टिड्डी दल के लिए उत्कृष्ट प्रजनन की स्थितियां पैदा हुई। इसके साथ ही प्राकृतिक वनस्पति का भी उत्पादन हुआ है जिससे वे लंबे समय तक भोजन के लिए आश्रित भी रह सकती हैं। अब बात करते हैं टिड्डियों और जलवायु परिवर्तन के बीच क्या संबंध है। रेगिस्तानी टिड्डे आमतौर पर अफ्रीका के निकट पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया के अर्ध शुष्क और शुष्क रेगिस्तान तक सीमित होते हैं, जो वार्षिक रूप से 200 मिलीमीटर से कम बारिश प्राप्त करते हैं। सामान्य जलवायवीय परिस्थितियों में टिड्डियों की संख्या प्राकृतिक मृत्यु दर और प्रवासन के माध्यम से घट जाती है। कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कि टिड्डियों का इस प्रकार प्रजनन जो कृषि कार्यों के लिए चिंता का विषय है, हिंद महासागर के गर्म होने का एक अप्रत्यक्ष परिणाम भी है। पश्चिमी हिंद महासागर में सकारात्मक हिंद महासागर द्वि ध्रुव या फिर अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया गया, परिणाम स्वरूप भारत समेत पूर्वी अफ्रीका में घनघोर वर्षा हुई है। वर्षा के कारण नम हुए अफ्रीकी रेगिस्तान ने टिड्डियों के प्रजनन को बढ़ावा दिया है। वर्षा की अनुकूल हवाओं द्वारा इन्हें भारत की ओर बढ़ने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु जारी लॉकडाउन के कारण कीटनाशकों का बेहतर ढंग से छिड़काव ना हो पाने के कारण भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में नियमित समन्वय गतिविधियों को प्रभावित भी किया है इन्होंने। बात करते हैं क्या बचाव की बेहतर तैयारी कैसी। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है। अफ्रीका महाद्वीप अपने सुविविधता के कारण टिड्डी दल के हमले में विवश नजर आ रहा है। अफ्रीकी हॉर्न देश मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर पर स्थित हैं। यहाँ शोध कार्य को बढ़ावा देना चाहिए ताकि टिड्डियों के हमले से पूर्व व्यापक बचाव किया जा सके। रेगिस्तानी टिड्डी झुंडों को नियंत्रित करने के लिए ऑर्गोफॉस्फेट रसायन का छिड़काव किया जा सकता है। यह छिड़काव उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहाँ कृषि कार्य नहीं किए जा रहे, क्योंकि यह एक विषाक्त रसायन होता है आपका, ठीक है, ऑर्गोफॉस्फेट। फसलों पर पाइरीपॉक्स रसायन का छिड़काव किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विषाक्त रसायन नहीं है आपका। टिड्डियों के द्वारा किए गए अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। कृषि क्षेत्र के आसपास खाइयां खोदकर अपरिपक्व टिड्डियों को जल और केरोसिन के मिश्रण में गिराया जा सकता है। डॉन आदि का प्रयोग कर उनके प्रजनन स्थलों पर कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा सकता है। टिड्डी चेतावनी संगठन यह आपका 1946 में बना हुआ था, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधीन
आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में राजस्थान गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इस संगठन का प्रमुख कार्य निगरानी करना, सर्वेक्षण करना, टिड्डी दल की के किसी भी प्रकार के हमले को नियंत्रित करना। इस संगठन के दो मुख्यालय हैं फरीदाबाद, यह संगठन की प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है, और जोधपुर, यह संगठन की तकनीकी कार्यों की देखरेख करता है। तो याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अब इसका निष्कर्ष क्या कह सकते हैं लास्ट में? वैश्विक तापमान बाढ़, तापन बाढ़ और महामारी जैसी विषम आपदाओं को आमंत्रित करता है और आपदाओं को तीव्रता भी प्रदान करता है। वैश्विक तापन के कारण ही टिड्डियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सभी देशों को वैश्विक तापन को कम करने की दिशा में मिलकर प्रयास करना चाहिए। टिड्डियों के हमले की रोकथाम के लिए निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण की रणनीति पर काम करना चाहिए। सीधा सा मतलब है, जलवायु यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से छेड़ करना है, भारी पड़ रहा है, ठीक है, उसी का एक परिणाम आपका नजर आ रहा है दिखता। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखिए और आप भी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो ये आपका टिड्डी दल का विक्रम।